दरभंगा के नगर थाना में हुई मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। लोगों ने बारी बारी से अपने विचार नगर थाना अध्यक्ष HNC के सामने रखा और बारी बारी से DJ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार रखे। विशेषकर अखाड़ा का रूट पर भी लोगों ने विचार रखा। कमेटी के सदस्यों ने शांति पूर्वक मोहर्रम मनाने की अपील रखी है। सब पर नगर थाना क्षेत्र के सभी शांति समिति के सदस्यों को अखाड़ियों को बुलाया गया है और हम लोग आज मिल बैठकर जो अखाड़ा जो कल से जो निकला है अखाड़ा अधिकतर मुख्यतः सप्तमी अठमी और नौमी दसवीं मेन होता है किस रूट से जाएगा, उस रूट में पड़ने वाले गली कैसे उसके अतिक्रमण मुक्त करके रखना है, इस पर अधिकतर चर्चा हम लोगों को किए। इसके बाद हमारा जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की मेन है तो हम लोग असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। इसी प्रकार का जो मुहर्रम का पर्व है हम लोगों का और अखाड़ा वाले अपना अपना वीडियोग्राफी भी कराएंगे। इसके बाद उनका वॉलंटियर भी रहेगा। अभी हम लोग प्रयास करें सबको समझा दिया है, कमेटी के लोगों को सबको बोल दिया गया है कि DJ बंधित है इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और तत्पर होकर सभी लोग शांति समिति के सदस्य लोग भी तत्पर रहेंगे। ऐसे में शांति को हम लोगों का धर्म कमेटी को क्या निर्देश दिए हैं? कमेटी का वही है कि अपना वीडियोग्राफी कराएंगे, सामाजिक तत्वों पर अपने प्रिंटर के माध्यम से भी नजर रखेंगे और DJ का उपयोग अधिकतर नहीं करेंगे और चौकस रहेंगे। जो भी उनको कठिनाई समस्या आएगी हमसे लगातार संपर्क में रहेंगे। अपना टेलीफोन नंबर कंट्रोल का नंबर जितने भी नंबर है उन लोगों को हम लोग दे चुके हैं। नगर थाना में शांति समिति की बैठक तो मैं सभी तरह बैठक थी, अभी सारे गणमान्य लोग यहाँ मौजूद थे, सदर सेक्रेटरी सारे जिला मुहर्रम कमेटी के जितने भी अहदेदारान हैं और जितने सरपंच लोग यहाँ मौजूद थे, सभी अखाड़िया लोग यहाँ मौजूद थे। जो गाइडलाइन सरकार की है और जो जिला प्रशासन की मुहर्रम कमेटी के सबको सब लोग फॉलो करते आए और करते रहे हैं। और आप जो रही बात मुहर्रम में हम लोग सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि शांति व्यवस्था का आपसी भाईचारे के साथ कोई भी त्यौहार हम लोग मनाने का काम करते आए हैं। और मैं सभी दरभंगा वासियों से अपील भी करता हूं कि सब लोग अपने अपने त्यौहार को मनाते हैं पुरजोर मजबूती के साथ मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं, सब लोग मनाएं, आपसी भाईचारे को किसी को ठेस नहीं पहुंचे, सबको आस्था को देखते हुए सब अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। और मैं उम्मीद सभी दरभंगा वासियों से करता हूं। और जो आप कहें पीकर और खाकर खेलने के बाद ऐसा कोई बात नहीं है, चूंकि इस त्यौहार जैसे अभी चर्चा हो रही बहुत कुछ हो जाती है इस त्यौहार में, बहुत जो पीने और खाने की बात हम लोगों ने तो कभी इस तरह की चीजों को कभी नगवार मानते हैं क्योंकि पीना खाना तो हम लोगों के धर्म में हराम है, ये सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग नजर रखते हैं वैसे लोगों पर जो उत्पादित लोग असामाजिक तत्व जो होते हैं उसको नजर रखते हैं, कोई इस तरह काम न करें ताकि किसी दूसरे समुदाय को दिक्कत न हो और शांति व्यवस्था के साथ मुहर्रम भी ये मुहर्रम त्यौहार जिस शांति समिति के यहाँ बैठा था शांति व्यवस्था के साथ शहर में हमेशा जो रहा है इस व्यवस्था के साथ शांति व्यवस्था के साथ हम लोग त्यौहार को मनाने का काम करें। जो मेन पॉइंट है वो कहाँ रहेगा? और सब किला घाट जिला मुहर्रम के सारे अखाड़े शहर के जितने भी है जिला के अगल बगल जो ग्रामीण क्षेत्र सब लोग जिला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर होते हुए मिलान चौक तक पांच नगर मिलान चौक जाएंगे, वही मिलान का सारी व्यवस्था होनी है। लाइटिंग की जो समस्या है जैसे पिछले बार जो हमने देखा कि जब अखाड़ा आती है या फिर लोग रहते हैं वहाँ खड़े, लाइटिंग की समस्या थोड़ी रहती है कि अंधेरा से सर कहीं कहीं पर लगता है। लाइट नगर, क्या इस बार लाइट नगर निगम के द्वारा लगाई जाती है? अच्छा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जहाँ जहाँ कम पिछली बार हम लोग देखे थे क्योंकि लाइट तो बिजली इलेक्ट्रिक लाइट काट दी जाती है लगा मिलान की वजह से, नगर निगम में हम लोग जिला में परसों बैठक है और नगर आयुक्त से बैठ के हम लोग बात करेंगे कि लाइट की व्यवस्था और अच्छी से अच्छी हो सके, रोशनी ज्यादा हो, किसी को दिक्कत न हो, तो चाहे वो महिलाएं भी उसमें आती हैं मर या पुरुष किसी को भी कोई बच्चे छोटे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, लाइट की व्यवस्था पूरी पर्याप्त मात्रा में रहे। और आप सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी दरभंगा वासियों से को मैं शुभकामनाएं देता हूं मुहर्रम की। और आप सभी चैनल के तरफ से आप सभी दरभंगा वासियों को आग्रह करता हूं शांति व्यवस्था मुहर्रम त्यौहार को मनाने का काम करें, आप सभी दरभंगा वासियों को सहयोग की आवश्यकता है। क्या नाम नफीसुल अकरम के माध्यम से और अखाड़ियों की फिटिंग करके भी हम लोग जिस तरह से मुहर्रम मनाते आए हैं लगभग 2015 से तो हम मना रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग 10वें मुहर्रम को बहुत ही आराम से संपन्न कराने जा रहे हैं। आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाहूँगा सारे अखाड़ियों कि जो जिला प्रशासन का
दिशा निर्देश है उस पर हम लोगों को फॉलो करना है। जुनून के साथ जोश और खरोश के साथ मुहर्रम खेलना है। जोश और खरोश का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डंडा मार दें, किसी से दुश्मनी निकालें, ये इसको जोश खरोश और जुनून नहीं करते। जुनून और जोश और खरोश वो करते जो दिल से मुहर्रम मनाए और लाठी डंडा खेले और अच्छे ढंग से बगैर नशा किए हुए। अगर नशा किया हुआ लोग पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, न हम बख्शेंगे न जिला प्रशासन। वीडियोग्राफी की भी बात हो रही है उसके लिए देखिए, हमारे वीडियोग्राफी होती है और मैं आपके माध्यम से मैं कह दूं सारे अखाड़ियों कि इस बार भी वीडियोग्राफी हम लोग कराएंगे। सातवीं नौवीं हमारे नुमाइशी प्रोग्राम होता है सेंट्रल कमेटी में, उस रात भर सातवीं को खेल होता है तो उसमें भी वो बहुत जगह जगह से लोग आते हैं। उन लोगों को अगर कोई भी लोग कैमरे में नशा में पाया गया वो सीधे जेल जाएंगे, वो बचे। दूसरी बात, प्रशासन 26-27 रहना है और दुकानों को या फिर जो ठेला लगाते हैं। देखिए मिनी 27 सातवीं के दिन सुभाष चौक से 3-4 जगह से अखाड़े आते हैं, 4-5 अखाड़े आते हैं जो रास्ते में सुभाष चौक से लेकर के टावर जाने के रास्ते में हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग गाड़ी लगा देते हैं जो मार्केट करने आते हैं। तो इसलिए हमने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उस दिन 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्योंकि पूरा अखाड़ा आने का दिन है वो रोड क्लियर रहे, कचरा लोग नहीं फेंके, आने जाने में दिक्कत नहीं हो लोगों को। इसलिए हम लोगों ने जिला प्रशासन जो हमारी कमी हुई है टाउन थाना के अंतर्गत, मैंने टाउन थाना बड़ा बाबू को इंस्पेक्टर साहब को हमने बताया है, वो इनको शॉर्ट आउट करने का काम करें। डीजे पर रोक रहेगी? डीजे पर पूर्णतः रोक है, रोक होना चाहिए। मैंने तो हमेशा मना किया है कि डीजे नहीं यूज करना, लाउड स्पीकर बजाएं, लाउड स्पीकर लगाएं, लाउड स्पीकर भी सीमित हो, ज्यादा नहीं हो। जो यूज करेंगे उसके लिए क्या करेंगे? कानून उसके लिए है, उसको उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में कहां कहां के लोग? इसमें टाउन थाना क्षेत्र के जितने लाइसेंस होल्डर हैं वो आए, हमारे कमेटी के लोग थे और भी जो सीनियर शांति समिति के लोग। आपका परिचय? रुस्तम कुरैशी, सचिव दरभंगा जिला मोहर्रम।